तो वहीं एरिया डोमिनेशन के तहत गंगापुर सिटी के 130 पुलिसकर्मियों ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने संदिग्ध द्वारा सामाजिक व्यक्तियों की तलाश, किराएदारों का सत्यापन करना सहित अन्य कार्रवाई की है। इसके तहत पुलिस ने 8 टीमें, 4 मोबाइल पार्टी और 18 नाका पॉइंट लगाए गए। गंगापुर सिटी में करीब 350 घरों को चेक किया गया है और यहां करीब 160 संदिग्ध व्यक्तियों और करीब 130 संदिग्ध वाहनों का सत्यापन किया गया। वहीं अवैध पिस्टल में 2 जिंदा कारतूस सहित आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गंगापुर सिटी से सलीम खान की रिपोर्ट। देखिए, हमने एक एक्सरसाइज शुरू किया है जिसमें जिसका हमने एरिया डोमिनेशन से करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज के दिन हमने एक सिटी का पर्टिकुलर एरिया पे रफली 150 पुलिस वाले पूरे एरिया को हमने 18 नाका पॉइंट बना रखा था और 8 हमारे चेकिंग टीम थी। तो हम जो लोग हैं यहाँ पे, जो रेंटेड लोग हैं, उनका हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। जो संदिग्ध व्यक्ति है उनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। जो व्हीकल है एरिया में उसका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया है। तो इस पूरे एक्सरसाइज में रफली हमने 350 हाउस होल्ड को चेक किया है, 160 लोगों को हमने जो सस्पेक्टेड थे उनको चेक किया है, 130 वाहन को चेक किया है। और इस पूरे एक्सरसाइज के दौरान हमने अभी तक 16 लोगों को डिटेन किया है, 14 व्हीकल को भी डिटेन किया है। इसमें हमें एक हथियार के साथ भी लोग मिला है, एक हथियार, 2 कारतूस के साथ। वीपी सिंह है जो वसुंधरा कॉलोनी में रहता है, उस पर मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। एक व्यक्ति के पास हमें चोरी का मोटरसाइकिल मिला था, उसका भी प्रकरण दर्ज किया गया है। और जो भी व्यक्ति हैं और जो व्हीकल सीज हुआ है उसके बारे में हम अनुसंधान कर रहे हैं, उनका चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, उस पर जो भी लीगल कार्रवाई हो सकता है वो किया जाएगा।